हरे कृष्णा। ये कैथीड्रल है यहाँ का चर्च, 1015 तक यह रोमनों का मंदिर था, फिर उन लोगों ने धर्म बदला तो ये हो गया है प्रसिद्ध। 11वीं शताब्दी का है ये, है ना चर्च। जिरोना 1000 साल लगभग, 1000 से ऊपर पुराना है ये। इसके अंदर भी चल के दिखाएंगे, ठीक है ना भाई। मैंने यहाँ भी है ना जो ग्रोनिंगन बोला है ना, वो ग्रोनिंगन नहीं है, वो जिरोना है या तो गिरोना है, क्योंकि यहाँ के लोग है ना गिरोना को जिरोना बोलते हैं, ठीक है ना। तो सुधार कर लेना भाई, मैंने बहुत सारी जगह बोला है ना, माफ़ करना यार, हैं छोटा भाई समझ के या बड़ा भाई समझ के, ठीक है ना। गलती हो जाती है क्योंकि प्रोनाउंसिएशन ऐसा है यहाँ का, ठीक है ना। हरे कृष्णा। जिरोना स्पेन के अन्य शहरों की अपेक्षा से ज़्यादा सस्ता है, है ना। यहाँ आपको टैक्सी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप 1 से 2 घंटे में पैदल में ही है ना बहुत सारी जगह कवर कर लेंगे। यहाँ पे जो जितने भी हेरिटेज है ना रोमन इतिहास के, वो सब आप कवर कर लेंगे। ये इतनी बढ़िया जगह है, ठीक है ना। और पास में समुद्र भी है, 10 किलोमीटर की दूरी का समुद्र है, यहाँ से दूर है थोड़ा। इसको बोलते हैं कोस्टा ब्रावा का एरिया बोलते हैं इसको, ठीक है ना। हरे कृष्णा। अब हम चलेंगे एफएल ब्रिज चलेंगे। ये जो है ना अभी इसको स्प्रिंग के कारण सजा रखा है, देखो हरे कृष्णा। आपको पता है पेरिस और ग्रोनिंगन क्या एक समानता है? एक समानता ये है कि जिसने एफिल टावर बनाया ना इस पेरिस में, जिसने एफिल टावर बनाया ना उसी व्यक्ति ने ग्रोनिंगन गिरोना बनाया है, और वो भी एफिल टावर बनाने के 20 साल पहले। तो इसका नाम भी क्या है मालूम, एफिल ब्रिज। ये ग्रोनिंगन गिरोना, तो आप आए इसको देखें, ठीक है जी। ये है इंडिपेंडेंट स्क्वायर, ठीक है ना। Super net.
हरे कृष्णा। और अब गिरोना का टूर समाप्त होता है, हम मिलेंगे दूसरे वाले वीडियो में, तब तक देखते रहिए और सुनते रहिए और भाई प्यार बरसाते रहिए, ठीक है जी। हरे कृष्णा, बाय बाय।